सर आपने मुझे बुलाया सर। पॉल पॉल वो रंजीत का खून तुमने किया था ना? यस सर, मैंने इन हाथों से खून किया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इन हाथों से? यस क्या सर? सर मैं बोलता हूँ, मैंने उसको खंगा से मारा, डेगर से मारा, बिल्कुल खत्म कर दिया। सर गॉड, मैं भगवान की शरण खा के आता हूँ सर। भगवान का नाम इस दुनिया में मत ले, शैतान की कसम खा के बोल। देख ना, इतने लाए, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। एक मिनट देखिए, अगर आप मुझे एक हाथ मारेंगे, रंजो पिंजो ढील हो जाएगा, हम खलास हो जाएंगे सर। देखो सर, मैंने जिंदगी भर आपका नमक खाया है, आपके साथ नमक हरामी कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा सर। सर मेरे को टाइम और लीजिए, मैं जाके देखता हूँ सारा नाइट क्या है, क्या है ये सब कुछ। ठीक है पॉल, लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं लगाया ना, तो पुलिस को तुम्हारी लाश मिलेगी। हाँ। और पुलिस को यह भी नहीं मालूम होगा कि लाश औरत की या मर्द की। All right, sir. I follow you. I understand, sir. तुम यहां शेरू ने भेजा होगा? नहीं दोस्त, मैं शेरू के कहने पे नहीं, मैं अपने लिए आया हूं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमने यह कत्ल नहीं किया है, फिर भी तुमने अपने आप को क्यों फंसा दिया? आखिर ये चक्कर क्या है? देखो मुझे यह राज सच से बता दो, दोस्ती की खातिर। कभी मां के आंसू देखे हैं तुमने? मां ही नहीं देखी तो मां के आंसू कैसे देखता? जानते हो भाई का प्यार, भाई की मोहब्बत क्या होती है? मेरा कोई भाई भी नहीं है। तो फिर तुम क्या समझोगे? तो तुम ही समझा दो दोस्त। मां की ममता जिसके नसीब में नहीं है, उसकी जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं सागर। जिस मां ने मुझ पर रहम खाकर दूसरे की औलाद को अपने समझकर पाला। दूसरे की औलाद? हाँ, मेरी मां मेरी पैदाइश के वक्त मर गई थी। जिस मां ने मुझे पाला उसके दो बेटे थे, एक बचपन में डूब गया था और दूसरे पर कत्ल का इल्जाम लग गया। मैंने मां के चरणों की सौगंध खाकर कहा था कि तेरा छोटा बेटा लाकर तेरी झोली में डाल दूंगा, ना तो मैं उसको खोया हुआ बेटा वापस ला सका और ना ही असली कत्ल का पता लगा सका। इसलिए अपने सर पे इल्जाम लेकर तुमने अपने छोटे भाई को बचा लिया? हाँ, ये सोचकर कि कम से कम एक बेटा तो मां को वापस मिल जाए। जियो दोस्त, जियो। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझा था, मगर तुम जैसे इंसान के तो पैर छूने चाहिए। हाँ दोस्त, तुमने जो सौतेला होकर किया वो सगे नहीं करते यार। सलाम है तुझको, हजार बार सलाम है। तुमने आज मेरे दिल के तार को हिला दिया प्यारे, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुझे अंदर यहां इस तरह से और नहीं रहने दूंगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। अब जीने की तमन्ना नहीं है सागर, मैंने खुशी से फांसी का फंदा गले में डाल लिया। नहीं दोस्त, नहीं। दुनिया में कोई फंदा ऐसा नहीं बना जो तुझ जैसे इंसान का गला घोंट सके। हाँ कमाल हो गया यार, मेरी तो जैकपॉट निकल आई। जैकपॉट? कैसे जैकपॉट? वो याद है रंजीत का खून हो गया था और बॉस ने उस पर नजर रखने के लिए मुझे कहा था। उसके मरने के बाद जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो मुझे एक थैली मिली, और गुरु क्या बताओ, उस थैली में बहुत सारे हीरे मिले। हीरे? हीरे मिले? हाँ गुरु, मैंने समझा सारे नकली है, लेकिन वो तो बिल्कुल बेल्जियम कट निकले, असली लाखों के हीरे। अरे करोड़ों के गुरु। मैं भी उन लोगों का पट्टा हूँ, बेवकूफ हूँ मैं, मुझसे बेवकूफ दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। क्या क्या हो गुरु? इसलिए कि रंजीत का खून किया है मैंने, रंजीत का खून मैंने किया है, अपने हाथों से खून किया है। हीरे मुझे मिलने चाहिए थे। नहीं नहीं साहब, झूठ है, गलत है। आज तक अपनी जिंदगी में खटमल तक मारा नहीं, मैं चाहू लेकर आदमी का खून कैसे करूंगा? लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, इसे सुन लो और अपने दिमाग पर जरा जोर दो। रंजीत का खून किया है मैंने, अपने हाथों से। रंजीत का खून मैंने किया है, मुझे मिलने चाहिए थे।
परवरदिगार, ये तेरा कैसा इंसाफ है? तू आज के दिन खुशियां देता है और आज के दिन उन्हें छीन लेता है। उसके बगैर मेरा दुनिया में है कौन? सागर चला गया तो मैं तो मर जाऊंगा उसके बगैर। और अगर यही तेरी मर्जी है तो जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी, मगर एक मेरी इल्तिजा है मालिक, तू हमेशा खुश रखना। तू मेरी जिंदगी ले ले मगर उससे हमेशा खुश रखना परवरदिगार। तू मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना, उसका दामन सुख से भरते रहना परवरदिगार, उसे हमेशा खुश रखना। हेलो, कौन? अशोक? हाँ बाबा, मैं बोल रहा हूँ। बेटे, आज के दिन बड़े छोटों को ईटे देते हैं, इसी तोहफे को पाने के लिए तो सारी जिंदगी रोता रहा है बेटे। मैं तुझे तेरा खोया हुआ भाई दूंगा। कौन? कौन? मुन्ना? हाँ बाबा, कहाँ कहाँ है वो? तो अभी आज आजा मेरे पास। बाबा मैं अभी आया। बाबा, मुन्ना कौन है? बाबा मुझे बताओ ना, अशोक अपने मुन्ना से मिलकर कितना खुश होगा, बताओ ना बाबा, मुन्ना कौन है? तुम मुन्ना हो? मैं मुन्ना? हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो बाबा, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं। हाँ? मैं तुम्हारा बाप सुनूंगा बेटे, तुम मेरे सगे बेटे नहीं। बाबा, तुमने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है, अपने जान से ज्यादा चाहा है। परवरदिगार गवाह है कि मैंने हमेशा तुमको अपनी औलाद की तरह प्यार किया है बेटे। लेकिन जब अशोक ने बताया कि डूबते वक्त मुन्ना के गले में एक लॉकेट था जिस पर एक निशान बना हुआ था, तो मुझे वो दिन याद आया जब तुम मुझे नदी के किनारे मिले थे, तुम्हारे गले में ऐसी लॉकेट था। सागर, मैं मुसलमान आदमी झूठ नहीं बनूंगा बेटे, मैं तुम्हारा बाप नहीं बेटे, मैं तुम्हारा बाप नहीं बेटे। बाबा, तुम्हारा बाप नहीं। बाबा, बाबा, हेलो, मैं आईजी मल्होत्रा बोल रहा हूँ। पॉल जेल से भाग निकला और आनंद और उसकी माँ को उठा के ले गया। तुम वहां पहुंचो, पुलिस भी पहुंच जाएगी। बाबा, शेरू के आदमी आनंद और अशोक की मां को उठा कर ले गए। बाबा, अशोक आदमी से रोक लेना, क्योंकि पॉल ने शेरू को उसके बारे में सब कुछ बता दिया होगा। मां को बचाने मैं जा रहा हूं। आज अपनी सल्तनत के तमाम नजारे दिखाऊंगा तुम्हें, हीरे जवाहरात, दोस्तों की लाशें, पुराने दुश्मनों की जिंदगियां, ये सब इकट्ठा करके रखी है मैंने। जैसे ये बूढ़ा, इस बूढ़े के घर जाकर इसके खानदान के सामने इसे उठा के लाया था मैं। ये पिछले 20 साल से मेरी कैद में है। मैं जब भी उदास होता हूं इसकी पिटाई करके अपना दिल बहलाता हूं। और जोर से। इन्हें मत मारो, मत मारो मेरे बाबा को। बाबा, तू मेरे मुन्ने? बाबा, मेरी बरखा। बाबा, मेरी बेटी, मेरी बेटी। ये तेरी बेटी है। मैं तेरी बेटी का सर पकड़कर अपने सीने से लगाऊंगा और तू अपना सर मेरे पैरों पर रखेगा। नहीं नहीं चेरू, मैं तेरी बेटी की जवानी से खेलूंगा और तेरी तकदीर। नहीं चेरू, नहीं नहीं चेरू, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दे, मेरी बेटी। बस, अगर पुलिस से मिला हुआ है और उसका दो सुपरवाइन 420 है। ये है उस सुपरमैन की गद्दार माँ जिसके शौहर को आपने मार डाला था। ये बुढ़िया सुपरमैन की माँ, इसका मतलब है कि हमारी आंखें धोखा खा गई। यही नहीं, इसके छोटे बेटे को भी ले आया हूं मैं।
अच्छा है, उन्हें अब मारूंगा। अगर बचपन में मारता तो शायद इतना कम खून निकलता कि मेरे शैतान के माथे पे सिर्फ तिलक लग सकता। अब मारूंगा तो अपने शैतान को सर से लेकर पैर तक उनके खून से नहला सकूंगा। अब मेरा खेल शुरू होता है। सागर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने ठीक कहा था, वो सुपरमैन नहीं, सुपर 420 था, और ये उस धोखेबाज की मां है। ये लो मशाल, जलाकर राख कर दो उस सपनी को जिसने उस सपोले को जन्म दिया। जाओ। देखकर मुझसे कहा गया है कि मैं तुम्हें चला दूं, इसलिए कि तुम अशोक की मां हो। मगर ये बेवकूफ ये नहीं जानते कि इस दिल में तुम्हारी ममता की जो मशाल जल रही है उसकी आग के सामने ये आग तो पानी है। क्या बात है, जलाता क्यों नहीं? ये बेटा खुद जल जाएगा मां, मगर इसकी आंच तुम्हारी ममता के दामन तक नहीं पहुंचने देगा। मैं तुम्हारा ही बेटा हूं मां, अमर। हाँ मां अमर, मुझे आशीर्वाद दो मां, इसकी आंख से मैं इनका घर चला डालूं। हाँ मां अमर। मुकद्दर शैतान, मेरे सारे दुश्मन मेरे कब्जे में हैं, सिर्फ एक बाकी है, उसे भी देखें। मैं अपने बाप की मौत का बदला लूंगा, मैं उन सब के खून से अपने हाथों को रंग लूंगा। एक दुश्मन बाकी है, उसे भी दे दे, मैं एक नहीं दोनों हाथों से तुझे सलाम करूंगा। खेल खत्म हो चुका है, पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया। अशोक,
अशोक इस शैतान कुत्ते को छोड़ना नहीं, यही तेरे बाप का कातिल है। सकता है तो आज तेरा साया भी तेरा साथ छोड़ देगा। शक्ति नहीं दे सकता, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। Oh.